बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर साइंस टीचर फ्रॉम अलाइड हाई स्कूल कोटसुल्तान। ओके, ओपन योर बुक्स फॉर क्लास वन अमेजिंग साइंस। टुडे वी गोन स्टडी यूनिट नंबर टू। यूनिट नंबर टू, इट्स अबाउट एनिमल्स। एनिमल्स को जैसा कि आप जानते हैं, एनिमल्स जानवरों को कहते हैं हम। यू कैन सी इन दिस पिक्चर देर आर मैनी एनिमल्स हेयर, फॉर एग्जाम्पल दिस एलिफेंट, ज़ीब्रा, जिराफ, दीज आर ऑल एनिमल्स। ये सारे एनिमल्स हैं जो आप देखते हैं, ठीक है ना। अब हम इसमें पढ़ेंगे एनिमल्स के बारे में, छोटे एनिमल्स के बारे में, इंसेक्ट्स के बारे में, इसके अलावा लार्ज एनिमल्स के बारे में, सबके बारे में हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। ओके, एनिमल्स आर मैनी शेप्स एंड कलर्स। एनिमल्स जानवर आर मैनी शेप्स, कई अशकाल के होते हैं, एंड कलर्स कई रंगों के होते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, कई किस्म के एनिमल्स हैं जिनकी शेप भी डिफरेंट है। जैसे एलिफेंट है, उसकी क्या है जो ये ट्रंक है ये लॉन्ग है। इसी तरह जो जिराफ है उसकी नेक बहुत ज़्यादा लॉन्ग है। इनकी शेप भी डिफरेंट होती है, इसके अलावा इनका कलर भी डिफरेंट होता है। ओके, इन पेज नंबर 7 हियर यू कैन सी मैनी टाइप्स ऑफ एनिमल्स। ओके, इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स के होते हैं हशरात, कीड़े मकोड़े जिनको हम कहते हैं, उनको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स आर वेरी स्मॉल एनिमल्स। इंसेक्ट्स बहुत ही छोटे क्या होते हैं, एनिमल्स होते हैं। दे क्रॉल, वो रेंगते हैं। क्रॉल मीन रेंगना। दे क्रॉल, वो रेंगते हैं। मैनी इंसेक्ट्स आर ऑल्सो फ्लाई। और बहुत सारे अदर इंसेक्ट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, फ्लाई भी कर सकते हैं, उड़ भी सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इस पिक्चर के अंदर देख सकते हैं, जिस फॉर एग्ज़ाम्पल दिस बी, जिसे हम शहद की मक्खी भी कहते हैं, ठीक है ना। ये स्मॉल सी होती है, छोटी सी होती है, और ये क्या कर सकती है, फ्लाई भी कर सकती है। इसी तरह अदर फ्लाइज, आंट, लेडी बर्ड एंड बटरफ्लाई, इन सब चीज़ों को हम इंसेक्ट्स कहते हैं। पेज नंबर 8। ओके, स्मॉल एनिमल्स, छोटे छोटे एनिमल्स। फॉर एग्ज़ाम्पल माइस, जिसको हम आम लफ्ज़ों में चूहा भी कह सकते हैं, रैबिट्स, खरगोश, स्क्वायरल्स, गुलहरियाँ, कैट्स, बिल्लियाँ एंड डॉग्स आर स्मॉल एनिमल्स। ये सारे क्या होते हैं, छोटे छोटे जानवर होते हैं या एनिमल्स होते हैं। वी कीप कैट्स एंड डॉग्स एज पेट। हम कैट्स को और डॉग्स को पेट के तौर पर या पालतू जानवर के तौर पर रखते हैं, जिनको हम घर में पाल सकते हैं। स्क्वायरल्स एंड बर्ड्स लिव इन द ट्रीज। स्क्वायरल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं पिक्चर के अंदर, ये स्क्वायरल है जिसको हम गुलहरी भी कहते हैं, ठीक है ना। स्क्वायरल एंड बर्ड्स, जो और परिंदे होते हैं जैसे तर स्पैरो वगैरह, ये क्या करती हैं, ट्रीज़ के अंदर लिव करती हैं। ट्रीज़ के अंदर जो होल्स वगैरह होते हैं उनमें ये लिव करती हैं। माइस एंड रैबिट्स लिव इन द होल्स इन द ग्राउंड। माइस जो हैं, जैसे कि आप इधर देख सकते हैं, दिस इज़ माउस, ये माइस, एंड रैबिट्स, ये दिस इज़ रैबिट, खरगोश, ये क्या करते हैं, जो ग्राउंड के अंदर, जो ज़मीन के अंदर होल्स होते हैं, ये उनके अंदर लिव करते हैं। हियर यू कैन सी मैनी एनिमल्स लाइक स्पैरो, स्क्वायरल, रैबिट, गोल्ड फिश, डॉग, कैट, पैरट एंड माउस। नाउ पेज नंबर 9। ओके, वाटर एनिमल्स, जो पानी में जो एनिमल्स रहते हैं उनके बारे में यहाँ पर हम स्टडी करेंगे। वाटर एनिमल्स लिव इन द वाटर। पानी में रहने वाले जो एनिमल्स होते हैं वो पानी के अंदर रहते हैं। फिश हैव फिन्स टू स्विम इन द वाटर। जो फिश होती है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं पिक्चर के अंदर, जो फिश होती है वो क्या करती है, वो वाटर के अंदर लिव करती है या स्विम करती है, जब वो तैरती है अपने फिन्स की मदद से। फिन्स क्या होते हैं, जो इसकी पर होते हैं, ठीक है ना, मछली के जो ये आप देख सकते हैं, इनको क्या कहते हैं हम, फिन्स। ये इनकी मदद से क्या करती है, पानी के अंदर तैरती है। दे ब्रीथ थ्रू द गिल्स। अब ये सांस कैसे लेती है, आप अपने नोज और माउथ से सांस लेते हैं ना, इसी तरह जो फिश है इसकी बॉडी के ऊपर गिल्स मौजूद होते हैं इधर, तो ये क्या करते हैं, इनको ब्रीथ करने में, सांस लेने में मदद देते हैं। सो नाउ कमिंग टुवर्ड्स द पेज नंबर 10। वाइल्ड एनिमल्स, वाइल्ड का मतलब होता है जो जंगलों में रहते हैं, ये जंगली एनिमल्स कौन से होते हैं। वाइल्ड एनिमल्स लिव फार अवे फ्रॉम द सिटीज़ एंड टाउन्स। जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं वो शहरों और कस्बों या गांव वगैरह से बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं। सिटीज़ शहर एंड टाउन्स कस्बे या जिसे गांव कहते हैं हम, ठीक है ना। जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं ये शहरों से दूर रहते हैं। दे वॉक एंड रन, वो दौड़ते और भागते हैं। सम ऑफ़ देम क्लाइम ट्रीज़, इनमें से कुछ क्या होते हैं, वो दरख्तों पर चढ़ जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि ये आप मंकी देख सकते हैं, ये क्या करता है, क्लाइम करता है, ये चढ़ जाता है किस पर, ट्रीज़ के ऊपर। इसी तरह और भी एनिमल्स होते हैं जो कि ट्री के ऊपर चढ़ जाते हैं।
सम एनिमल्स ईट प्लांट्स, कुछ एनिमल्स प्लांट्स ईट करते हैं, पौधे खाते हैं। सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, कुछ जो होते हैं वो प्लांट्स को भी खाते हैं, पौधों को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं। ओके, अब हम यहाँ पर देखेंगे कौन कौन से वाइल्ड एनिमल्स हमें इस पिक्चर के अंदर शो किए गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मंकी, ठीक है, ये भी एक वाइल्ड एनिमल होता है। इसको हम शहरों में तो नहीं देखा ना आपने कभी मंकी अपने घर के करीब देखा हो, नहीं। ये कहाँ रहते हैं, जंगलों वगैरह में रहते हैं। इस तरह जिराफ, ज़ेब्रा, डेयर जिसको हम हिरन भी कहते हैं, इसके अलावा बेयर, टाइगर, फॉक्स, स्नैक एंड लायन, ऑल दीज आर वाइल्ड एनिमल्स। कमिंग टू वार्ड्स द पेज नंबर 11, ओके, हियर विल स्टडी द यूज़फुल एनिमल। यूज़फुल का मतलब जो हमारे काम आए, जिनसे हम कुछ काम ले सकते हैं, वो वाले एनिमल्स। वी कीप दीज एनिमल्स ऑन अ फार्म, हम इन एनिमल्स को कहाँ रखते हैं, एक फार्म में रखते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा जो अक्सर कॉज वगैरह होती हैं उनके लिए अलग डेयरी फार्म वगैरह बना दिया जाता है जहाँ पर वो लिव करती हैं। इसी तरह जो हैंज वगैरह होती हैं, मुर्गियाँ वगैरह, उनके लिए हम पोल्ट्री फार्म बना देते हैं। तो इन एनिमल्स को जो यूज़फुल होते हैं इनको फार्म में रखते हैं। अ कैमल कैरीज द हैवी लोड, एक जो ऊँट होता है वो क्या करता है, कैरीज उठाता है, हैवी लोड भारी वजन। ओके, कैमल क्या करता है, एक भारी वजन उठाता है। अ शीप गिव्स अस वूल, जो शीप होती है वो क्या करती है, हमें वूल देती है या ऊन देती है। हैंस गिव अस एग्स एंड मीट, इसी तरह जो मुर्गियाँ होती हैं या हैंस होती हैं वो हमें एग्स भी देती हैं और मीट भी देती हैं। अ गोट गिव्स अस मीट, बकरी हमें क्या देती है, गोश्त देती है। अ काउ गिव्स अस मिल्क, जो गाय होती है वो हमें मिल्क देती है या दूध प्रोवाइड करती है। अ हॉर्स पुल्स अ कार्ट, जो घोड़ा होता है वो क्या करता है, कार्ट मतलब छकड़ा जो पीछे उसकी लगी होती है उसको क्या करता है, पुल करता है, सामान वगैरह को लेकर जाने में हेल्प करता है। ओके, नाउ पेज नंबर 12, अ हैविक ईट स्मॉल बर्ड्स एंड एनिमल्स, जो हैविक होता है ये आपने देखा होगा, ये स्मॉल एनिमल्स को और ये बर्ड्स को खाता है। ओके, अ वुड पैकर ईट्स इंसेक्ट्स, जो वुड पैकर होता है वो क्या करता है, जिसे हम हुदूद भी कहते हैं, ये इंसेक्ट्स वगैरह को खाता है। अ हेरोन ईट्स द स्मॉल फिश, जो हेरोन होता है ये क्या करता है, स्मॉल फिश वगैरह को ईट करता है, छोटी छोटी मछलियों को ये खाता है। अ वल्चर ईट्स डेड एनिमल्स, जो वल्चर होता है या गिद्ध जिसको हम कहते हैं वो क्या करता है, छोटे छोटे डेड एनिमल्स को ईट करता है। अ डक ईट्स वाटर प्लांट्स एंड फिश, जो डक होती है, पत्तख होती है, वो पानी भी पीती है, इसके अलावा प्लांट्स और फिश को भी वो खाती है। अ पैरट ईट्स फ्रूट्स, जो तोता होता है वो क्या करता है, फ्रूट्स वगैरह को ईट करता है या खाता है। बर्ड्स, अब ये सारे क्या थे, हमने पढ़े हैं जो ये बर्ड्स थे। अ बर्ड हैज़ फीदर्स, जो बर्ड होते हैं उनके ऊपर फीदर्स होते हैं। फीदर्स क्या होते हैं, हम फीदर कहते हैं हम परों को। मोस्ट बर्ड्स कैन फ्लाई, ज़्यादातर परिंदे उड़ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वल्चर आप देख सकते हैं, इसके अलावा ये हैविक देख सकते हैं, क्रो, ये सारे क्या करते हैं, उड़ते हैं, लेकिन कुछ नहीं भी उड़ते, जैसे तर ये डक है। बर्ड्स ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड, बर्ड्स मुख्तलिफ तरह का खाना खाते हैं। किसी ने जैसे ये देखा था आपने, इसने एनिमल्स को ईट किया था, कुछ जो जैसे ये डक थी इसने क्या किया था, प्लांट्स को और फिश को ईट किया था। सो एनिमल्स ईट डिफरेंट टाइप ऑफ, बर्ड्स ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, आपने अब ये यूनिट नंबर 2 की तमाम जो हमने रीडिंग की है आपने इसको अच्छे से तैयार करना है, प्रिपेयर करना है। मुश्किल आपने जो डिक्टेशन वर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन करके उनके मीनिंग्स राइट कर लेने हैं। और अल्लाह हाफिज़।